अनिल देसाई की पहली प्रतिक्रिया आपने आज तक दर्शकों को सुनाई है, काफी खुश है पूरे फैसले से। उनका कहना है कि एक महीने से जो घोड़ा बाजार चल रहा था उसका अंत हुआ है, अब एक एक करके तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, वकील पहुंच रहे हैं, जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि प्रोटेम स्पीकर ही बहुमत परीक्षण कराएंगे, प्रोटेम स्पीकर बहुमत परीक्षण कराएंगे मौसमी, यानी कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। मौसमी फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दी महाविकास अगाड़ी कंप्राइजिंग ऑफ शिवसेना एनसीपी एंड कांग्रेस हैड मूव्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन सैटरडे चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नर टू अपॉइंट श्री देवेंद्र फडणवीस एज द चीफ मिनिस्टर। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस मैटर ऑन संडे एंड मंडे एंड टूडे ऑन ट्यूजडे द ऑनरेबल कोर्ट वॉज प्लीज टू पास सर्टन इंटरिम ऑर्डर्स। फर्स्टली द कोर्ट हैज सेड दिस केस रेजेस इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर and the manner in which the swearing in has happened, all these issues will be gone into subsequently at a later date. The court, having regard to the decisions in Bommai Karnataka case and the Uttarakhand case, has said that it is imperative to prevent unlawful activities such as horse trading. Certain urgent interim measures have to be taken. The court, to uphold certain basic constitutional values, has directed a floor test to be conducted tomorrow itself, that is on 27th November 2019 at 5 p.m. The floor test will be conducted by a pro tem speaker and not by a regular speaker as was contended by the BJP. The oath taking will start in the morning tomorrow and will conclude at 5 p.m. During the floor test, there will be no secret ballot and the proceedings of the floor test will be conducted live. All the parties have been directed to complete their pleadings and place it before the Supreme Court. Thank you so much.